हेलो एंड वेलकम टू द टीजम क्लासेस, दिस इज संदीप भास्कर। चलिए बच्चे लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 जो कि सिविक्स क्लास 10 का जो चैप्टर फेडरलिज्म है उससे लेते हैं। तो क्वेश्चन गोज लाइक दिस, डिस्क्राइब फीचर्स ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट के क्या क्या फीचर्स हैं इसके बारे में हमें बताना है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं कि यूनिटी गवर्नमेंट क्या होता है। तो बच्चे लोग यूनिटी गवर्नमेंट के बारे में हम लोग बात करते हैं क्या। यूनिटी गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट। यूनिटी गवर्नमेंट एक तरह का गवर्नमेंट होता है इन विच सिंगल पावर, एक ही तरह का गवर्नमेंट जो होता है ना, विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट, इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड कंट्रोल्स द अफेयर्स ऑफ द कंट्री, और पूरे कंट्री के अफेयर्स को ना क्या करती है, कंट्रोल करती है। चलिए मैं फिर से इसको मैं पढ़ दे रहा हूं, आप जरा इसको अच्छे से सुन लो। यूनिटी गवर्नमेंट इज अ काइंड ऑफ गवर्नमेंट इन विच सिंगल पावर विच इज नोन एज सेंट्रल गवर्नमेंट इज द सुप्रीम अथॉरिटी एंड कंट्रोल्स द अफेयर ऑफ द कंट्री। अब देखिए इसका मतलब क्या होता है ना कि ये जो है ना यूनिटी गवर्नमेंट ना कुछ इस तरह का एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे के पूरे कंट्री में क्या होता है ना, सिंगल होता है। अगर ये मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए कोई एक कंट्री है, एज्यूम करते हैं कोई एक कंट्री है, ठीक है, तो इस पूरे कंट्री में ना एक ही तरह का गवर्नमेंट होता है जो कि पूरे कंट्री के अफेयर्स को क्या करता है ना, वो मैनेज करता है। अफेयर्स यानी कि इसके एग्जीक्यूटिव अफेयर्स को, इसके लेजिस्लेटिव अफेयर्स को, ठीक है ना, ये सारे तरह के अफेयर्स को कौन मैनेज करता है, एक तरह का ही गवर्नमेंट। और ये गवर्नमेंट क्या होता था, वो सेंट्रल गवर्नमेंट होता है। इसमें जो है ना वो फेडरल गवर्नमेंट के जस्ट विपरीत। फेडरल गवर्नमेंट में क्या होता है, स्टेट की भी सरकारें होती है, सरकार का डिवीजन होता है, लेकिन यहां ऐसा कोई डिवीजन नहीं होता है। यहां सिर्फ और सिर्फ एक ही फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट होता है, एक गवर्नमेंट होती है, एंड दैट गवर्नमेंट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट। एंड यही सेंट्रल गवर्नमेंट ना पूरे कंट्री के अफेयर्स को मैनेज करती है, ठीक है। अब आते हैं इसका जो है ना फीचर्स के बारे में बात करते हैं। तो बच्चा लोग इस तरह के गवर्नमेंट का ना, यूनिटी गवर्नमेंट का ना, तीन तरह के फीचर्स होते हैं। पहला फीचर्स का होता है सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, यानी पावर का ना केंद्रीकरण होता है। मतलब एक गवर्नमेंट के हाथ में, एक गवर्नमेंट के मुट्ठी में क्या होता है ना, सारी की सारी जो है ना वो सारा पावर जो है ना एक ही गवर्नमेंट के मुट्ठी में होता है, एक ही गवर्नमेंट के पास होता है। सेकेंड होता है सिंपल, सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट होता है ये, ठीक है। एंड तीसरा है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ, पूरे कानून के लिए, पूरे देश के लिए जो है ना एक ही तरह का यहां पे कानून होता है। तो चलिए अब हम बात करते हैं एक एक का। तो पहला है सेंट्रलाइजेशन पावर। इन द यूनिटरी गवर्नमेंट ऑल पावर्स आर सेंट्रलाइज इनटू द हैंड्स ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में ना सारा का सारा पावर जो है ना वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में होता है। इन दिस टाइप ऑफ द गवर्नमेंट देयर इज नो प्रोविंशियल्स, मतलब कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होती है। हेंस ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस आर टेकन बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री का, उस कंट्री के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार क्या होता है ना, वहां की जो सरकार होती है यानी कि एकमात्र सरकार होती है, दैट इज कॉल्ड द सेंट्रल गवर्नमेंट, वो जो है ना क्या क्या डिसीजन लेती है, सारे एग्जीक्यूटिव रिलेटेड डिसीजंस को वही लेती है, एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस को भी कौन लेता है, एक ही गवर्नमेंट होती है। अगर मैं बात करूं इंडिया में, थोड़ा सा मैं कंपैरिजन करता हूं इंडिया से, तो इंडिया में हमारे पास ना यूनिटी नहीं बल्कि एक फेडरल गवर्नमेंट है। यहाँ पे क्या है ना, सेंट्रल का अपना कानून तो होता ही है, सेंट्रल के अलावा जो है ना पावर का डिस्ट्रीब्यूशन जो है ना वो स्टेट्स में किए गए हैं, स्टेट्स के साथ, और स्टेट भी अपने पावर का डिस्ट्रीब्यूशन किसके साथ किया गया है, वो लोकल गवर्नमेंट के साथ किया है। तो यहाँ पे हमारे पास ना पावर का, इंडिया में जो है ना पावर का डिसेंट्रलाइजेशन हुआ है, लेकिन यहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं बल्कि सेंट्रलाइजेशन ऑफ द पावर होता है एक गवर्नमेंट के हाथ में, दैट इज कॉल्ड सेंट्रल गवर्नमेंट। और वही गवर्नमेंट जो है ना वो सारे एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजन जो है ना उस कंट्री के लिए लेता है, ठीक है ना, वो भी किसके अनुसार में, तो वहां के कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार लेता है। लेकिन हाँ यहाँ पे एक चीज जो है वो इंडिपेंडेंट होता है, दैट इज कॉल्ड जुडिशियरी जो होता है ना, वो उस तरह के यूनिटी गवर्नमेंट में भी जुडिशियरी जो होता है ना वो इंडिपेंडेंट होता है। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं ना सेकेंड फीचर की। तो सेकेंड फीचर है सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट। ये जो है ना बिल्कुल एक सिंपल और सिंगल गवर्नमेंट होती है। सिंगल गवर्नमेंट तो होती है जैसे कि हमको पता है कि सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, दैट इज कॉल्ड
सेंट्रल गवर्नमेंट ही यहाँ होती है, बट लेकिन ये काफी सिंपल होती है। देखिए क्या होता है इंडिया में जो है ना, हमको जो है ना, हमारे पास क्या होता है इंडिया में, दो तरह के हाउसेस होते हैं इंडिया में। अगर मैं पार्लियामेंट की बात करूं तो वो दो तरह के हाउसेस होते हैं। पहला को बोलते हैं राज्यसभा, यानी कि अपर हाउस होता है उसको हम लोग बोलते हैं राज्यसभा, और लोअर हाउस होता है उसको कहते हैं लोकसभा। ठीक है, तो यहां क्या होता है ना, दो तरह के लेजिस्लेचर होता है यहां पे। दो तरह का लेजिस्लेचर होता है, लेकिन यहां क्या होता है ना, इस तरह के फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ना, एक तरह का सदन होता है। सदन मतलब कि एक तरह का ही हाउस होता है, सिर्फ और सिर्फ डिसीजन जो होता है ना। तो यहां जब दो होता है ना, इसको हम लोग बोलते हैं बाई कैमरल, ठीक है ना, बाई कैमरल लेजिस्लेचर हम बोलते हैं, जो कि इंडिया में है। लेकिन यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में क्या होता है, बाई कैमरल नहीं बल्कि यूनिकैमरल, ठीक है ना, यानी कि एक ही तरह का, एक ही सदन होता है, एक क्या होता है हाउस होता है, और उसी सदन से क्या होता है ना, पूरे कंट्री के लिए एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजंस लिए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सिंपल एंड सिंगल गवर्नमेंट। तो क्या होता है, अ यूनिटी गवर्नमेंट इज अ सिंगल एंड सिंपल गवर्नमेंट, देर इज अ सिंगल गवर्नमेंट एट द सेंटर, द यूनिकैमरल, जैसे मैंने आप लोगों को क्लियर कर दिया कि एक सदन होता है, इज इलेक्टेड एंड ऑल एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेटिव डिसीजन आर टेकन बाई द सेंट्रल गवर्नमेंट एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द कंट्री। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गया कि यहां पे क्या होता है ना, एक सदन होता है और चुनाव जो होता है ना उसी सदन के लिए होता है, यानी कि एक ही हाउस के लिए चुनाव होता है, और वहां से जो लोग जीत के जाते हैं ना वही उस कंट्री के लिए क्या होता है ना, सिंगल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट बनाते हैं, सिंगल गवर्नमेंट बनाते हैं, और एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेटिव डिसीजन जो है ना वो लोग ही लेते हैं। ठीक है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, ये हमारा हो गया सेकेंड फीचर। अब बात करते हैं तीसरे फीचर की। तो तीसरा फीचर है यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। देखिए पूरे कंट्री में ना कितने तरह की गवर्नमेंट होती है, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में ना एक तरह की गवर्नमेंट होती है। जब एक तरह की गवर्नमेंट हो तो कानून भी पूरे कंट्री के लिए एक होगा। जैसे मैं इंडिया की बात करूं तो इंडिया में ना हमारे यहाँ स्टेट गवर्नमेंट भी है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट का तो अपना कानून होता ही होता है, लॉ होता ही होता है। लगे हाथ क्या होता है ना कि स्टेट गवर्नमेंट भी अपना कानून बना सकते हैं अपने लिए। ठीक है ना, तो ये जब कानून बनाते हैं ना तो अलग अलग क्या होता है ना, हमारे पास जो है ना वो कानून हो जाते हैं। स्टेट गवर्नमेंट के अलग हो सकते हैं एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के अलग। तो इस तरह से क्या हो जा रहा है ना कि हमारे यहाँ जो यूनिफॉर्मिटी नहीं है लॉ का। ठीक है, मतलब क्या होता है ना कि हमारे यहाँ यूनिफॉर्मिटी किस में, यूनिफॉर्मिटी जो है ना वो है आपका जो है वो यूनिटी गवर्नमेंट में जो है ना वो। चलिए अब हम बात करते हैं ना यूनिटी फॉर्म ऑफ द, चलिए अब बात करते हैं यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ की बात करते हैं। देखिए हमारे यहाँ जो है ना इंडिया में जो है ना वो क्या है ना, स्टेट गवर्नमेंट होती है और सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। दोनों ही तरह के गवर्नमेंट में ना अलग अलग लॉ बनने का जो है ना वो बहुत नॉर्मल सी बात होती है। दोनों गवर्नमेंट जो है ना अपने लिए नॉर्म्स बना सकते हैं, लॉज बना सकती है अपने अपने सिटीजन को अच्छे से गवर्न करने के लिए, कंट्री को और स्टेट को गवर्न करने के लिए अपना सेपरेट लॉज भी बना सकती है। ठीक है, लेकिन यहाँ क्या होता है, चूंकि यहाँ पे कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, कहाँ पे यूनिटी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में कोई स्टेट गवर्नमेंट नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ वन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होता है, दैट इज सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ क्या होता है ना, इस फॉर्म में जब भी कोई सरकार बनती है ना तो पूरे कंट्री के लिए ना क्या होता है ना, एक तरह का कानून होता है वहां पे, पूरे कंट्री में एक तरह का कानून होता है। ये एक सबसे बड़ा क्या होता है, एक फीचर है इसका, यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ। तो हम लोग इसको इस तरह से डेवलप कर सकते हैं कि अनदर स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ यूनिटी गवर्नमेंट इज यूनिफॉर्मिटी ऑफ लॉ एज दे आर मेड बाय सिंगल सेंट्रल गवर्नमेंट। जैसा कि इसको जो है ना, एक स्ट्राइकिंग फीचर ऑफ यूनिटी फॉर्मेट का होता है कि यहाँ पे यूनिफॉर्मिटी लॉ बनाने में ना बिल्कुल एक तरह का कानून होता है पूरे कंट्री में, जैसा कि सिर्फ और सिर्फ एक गवर्नमेंट बनाती है। दिस लॉज आर इन फोर्स इक्वली इन ऑल स्टेट, और ये जो लॉज होते हैं ना
पूरे कंट्री में जितने भी स्टेट्स हैं वो सारे स्टेट्स में क्या होता है, एक ही तरह की ही कंट्री, एक ही तरह का ही लॉ चलता है, कानून बनता है, चलता है. एंड होल कंट्री एज देर इज नो स्टेट इन फॉर्म ऑफ, इन फॉर्म ऑफ स्टेट गवर्नमेंट. मतलब जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट के फॉर्म में कोई दूसरा गवर्नमेंट नहीं होता है यूनिटरी फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट में, तो सारा का सारा जो है ना एक ही तरह का कानून जो है ना पूरे कंट्री में को, पूरे कंट्री को गवर्न किया जाता है. मतलब पूरे कंट्री को एक ही तरह के कानून से क्या किया जाता है, उसको गवर्न किया जाता है, क्योंकि वहां पे स्टेट की कोई अपनी गवर्नमेंट नहीं होती है. थैंक यू बच्चा लोग.